हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं काफ़ी अरसे के बाद डाल रही हूँ बिकॉज एग्जाम्स चल रहे थे। तो आज का व्लॉग इज़ ऑल गोना बी अबाउट शॉपिंग एंड इफ्तारी एंड माय यूनिवर्सिटी लाइफ। सो मैंने फाइनली शॉपिंग कंप्लीट कर लिया है। मैंने जे डोर से एक न्यू सूट लिया था। सो ये न्यू सूट था, ये मम्मा ने जे डोर से लिया था एंड ये इट वॉज़ अ सिंगल पीस, मतलब सिर्फ एक शर्ट थी और इसके साथ मुझे ट्राउज़र एंड दुपट्टा वगैरह पेयर करने पड़े थे। ये इसका प्रिंट भी मुझे अच्छा लगा, इसका कलर भी मुझे अच्छा लगा। समर के लिहाज से इट वाज़ द बेस्ट चॉइस। नाउ लेट मी शो यू दुपट्टा एंड ट्राउज़र विद इट। ये इसके साथ वाइट ट्राउज़र मैंने पेयर किया और साथ में इसके था येलो कलर का दुपट्टा एंड दुपट्टा इसके साथ बहुत अच्छी तरह मैच किया था। आई वाज सो हैप्पी विद इट, काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई थी। दुपट्टा मुझे सेम ब्रांड से तो नहीं मिला बट लाइमलाइट से बिल्कुल अच्छी तरह मैच कर गया था, तो लाइमलाइट से मैंने लिया था दुपट्टा और ट्राउज़र भी। ये वाला सूट ये मम्मा का था, मम्मा ने जनरेशन से लिया था और ये बाबा की चॉइस थी, बहुत अच्छी थी। सो गाइस, ये है बहुत ही प्यारे ब्लू प्रिंट में जनरेशन का कुर्ता स्टाइल। ये बहुत प्यारा प्रिंट और काफ़ी यूनिक मुझे लगा था, ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। इसका कलर बहुत अच्छा था एंड इसके ऊपर बहुत सिंपल सा था, सिंपल पैटर्न अच्छे लगते हैं बेसिक्स में। ये टू पीस था सेम प्रिंट में, इसके साथ शलवार थी एंड इट वाज एडजस्टेबल, तो ये बहुत अच्छी लुक दे रहा था। इट वाज रियली नाइस, मुझे इसका प्रिंट सबसे प्यारा लगा था। इस दफ़ा जनरेशन में कुछ डिफरेंट मिला। एंड जनरेशन से इसके साथ दुपट्टा ये वाला पेयर किया था, तो इट वाज ओवरऑल सो ब्लूई सारा पूरा सा सूट एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। सब कुछ इतना अच्छी तरह से मैच कर गया था और काफ़ी प्यारी लुक दे रहा था। सो गाइज, ये नेक्स्ट सूट था जो ये भी जनरेशन से था और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन लगा था। इसमें पेस्टल कलर से इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी फ्लावर पैटर्न एंड इट वॉज स्लिम फिट, तो इसकी फिटिंग सबसे बेस्ट थी। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। सबसे अच्छा तो इसका डिज़ाइन था, मुझे पफ़ी स्लीव्स बहुत पसंद है, तो इसमें पफ़ी स्लीव्स का हल्का सा हिंट था। पफ़ी स्लीव्स आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिस नेक्स्ट वन इज़ अ येलो टू पी सूट, ये भी जनरेशन के बेसिक से था एज यू कैन सी। तो ये सिर्फ टू पीस था बट इसका कलर, इसका प्रिंट अच्छा था बट थोड़ा सा सिंपल सा था बिल्कुल। और इसके साथ इसकी पेयर शलवार है एंड इन द सेम पैटर्न। एंड दिस नेक्स्ट वन इज़ सो ब्यूटिफुल, ये जे डॉट से था। ये एक टू पीस सूट था, इसके साथ दुपट्टा पेयर करना पड़ा था बट ये बहुत प्यारा था, मुझे सबसे प्यारा ये लगा था जस्ट बिकॉज ये थोड़ा फ्लोरल था एंड इसका कलर बहुत मुझे अच्छा लगा। रेड की हिंट थी हल्की सी एंड इस पर जो हल्का हल्का काम हुआ वो बहुत अच्छा था, थोड़ा शाइनी सी लुक दे रहा था एंड इट वॉज़ कम्फर्टेबल टू वेयर। एंड इसके साथ है ये सेम पैटर्न में पेयर्ड शलवार, तो
तो शलवार इसके साथ बिल्कुल फिटिंग में थी, काफ़ी अच्छी लगी। ये एक्सेस था क्योंकि आजकल थोड़े ज़्यादा खुले कुर्ते आ रहे हैं तो पूरे अच्छे नहीं लगते, ना वो पूरे आते हैं, फिट आते हैं, तो एक्सेस में ज़्यादा बेस्ट रहता है। एंड ये है इसके साथ बहुत प्यारा दुपट्टा, काफ़ी इजी टू हैंडल, और मुझे इसका ओवरऑल तीनों चीज़ें पसंद थी। ये 3-piece सूट बनाया था मैंने एंड इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर, और मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी थी। सो गाइस, ये मैंने आपको अपनी शॉपिंग दिखाई, और फिर मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। एनाटॉमी का पेपर बहुत ही करीब था तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा था। मैंने सारी तैयारी करके गई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा पेपर हुआ था, जैसे तैयारी की थी उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो गया था। एग्ज़ाम्स के साथ व्लॉग्स को लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है, दोनों चीज़ें आपस में नहीं हो सकती हैं, स्पेशली तब जब आपको कोई एग्ज़ाम में कोई ब्रेक ना हो, कोई छुट्टी ना हो। उसके बाद हमारा प्लान बाहर इफ्तारी करने का था, तो हम बस उसी के लिए जा रहे थे मैकडोनल्ड्स पे, और यूजली वैसे हम कभी गए नहीं थे, इट वॉज़ फर्स्ट टाइम कि हम फ्रेंड्स के साथ हमने गैदरिंग की थी काफ़ी अर्से बाद, फॉर अबाउट अ ईयर, काफ़ी अर्सा गुजर गया है। अभी हम मैकडोनल्ड्स आ रहे हैं इफ्तारी विद कुरसम एंड अब्दुल्ला। गाइज मीट कुरसम एंड डेमन, एंड दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, इनकी अभी तक इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है ना, दे आर सच अ गुड एग्जांपल। गाइज तो मैं वापस आ गई हूँ, घर आ गई हूँ एंड आई एम सो टायर्ड, प्लीज़ मेरी शक्ल में मत जाइए, सुबह से इस तरह की हालत हुई हुई है। और अब व्लॉग्स में यही करूँगी कि डाल दिया करूँगी अगर टाइम मिले तो, वरना मेरे एग्ज़ाम्स हैं फॉर 1 week, तो 1 week के लिए शायद मैं डालूँ शायद ना डालूँ, आई डोंट नो, अभी डिसाइड नहीं किया। ड्रेस दिखाया जाए, मैंने आज वही ड्रेस पहना है, दूसरे मैंने लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेयर दिस, क्योंकि मुझे पहनना था, मुझे दिल से आ रहा था कि मैं इसको पहनूं। एंड इट हैज पॉकेट्स,
देन अफ्तारी वगैरह करके घर आने के बाद मुझे दोबारा मतलब पूरी रात पढ़ना पड़ा। ऑब्वियसली पेपर बहुत करीब था, परसों को था, तो मुझे तैयारी हमेशा रात को ही होती है। मैं वो मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ जिससे सुबह सुबह उठ के तैयारी हो जाए, मैं पूरी रात अच्छा पढ़ लेती हूँ, पूरी रात अगर लगाऊँ तो अच्छी तैयारी हो जाती है उससे। चुके हैं, एग्जाम मैंने दे दिया है और काफ़ी ठीक था, अच्छा था, सही हो गया। हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है, मुझे तंग कर रही है। हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हुआ था। सो गाइस बस अभी मतलब पेपर ख़त्म हो गया है एंड मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और व्लॉग्स के बारे में मतलब व्लॉग्स में पेपर्स में जाहिर सी बात है कम ही डाल सकूँगी क्योंकि पेपर की तैयारी करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो पेपर में व्लॉग्स सो डिफ़िकल्ट, एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता है। पेपर्स की टाइमिंग का ये फ़ायदा होता है कि मतलब हमें जल्दी छुट्टी हो जाती है, हम घर जाके काम कर लेते हैं। इसके बाद मैं घर गई, बहुत गर्मी हो गई थी और ये हमारा यूनिवर्सिटी का पार्किंग लॉट है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अलग सा कैंपस बनाया और काफ़ी अच्छा कैंपस बनाया है, काफ़ी खुला, काफ़ी बड़ा सा है, अच्छा लगा मुझे उसका कैंपस। सो गाइस बस ये था आज का व्लॉग, बस मैं घर जा रही हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। मैं व्लॉग बनाती रहूँगी एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।